हेलो एवरीबॉडी। अब आज हम लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, एनवायरनमेंट का 7th लेक्चर है, दिसंबर महीने को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड जो हम कवर कर रहे हैं वो है, तेलंगाना ने एक क्लीन अथॉरिटी बनाई है। ये जो क्लीन अथॉरिटी है, इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिकली एक जापान के अंदर भी सिमिलर एक अथॉरिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो तेलंगाना वाले ने उसको वहाँ पे कॉपी करने की कोशिश की है। जो क्लीन अथॉरिटी है, ये बेसिकली जो तीन हमारे जो एलिमेंट होते हैं, कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट जो तत्व जिसको बोलते हैं हिंदी में, वाटर, एयर एंड सॉलिड, इन तीनों में जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पॉल्यूशन को कवर करने की ये कोशिश करेगी। जो क्लीन अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना है वो सॉलिड वेस्ट हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, इन सबको कवर करने की कोशिश करेगी, स्पेशली अर्बन एरिया के अंदर। इसका जो मेन काम रहेगा वो ये रहेगा कि जितने भी इन मेजर्स होते हैं इनको इन्फोर्स करने के लिए, कि जो जो हार्म हो रहा है और जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे कम किया जाए, और व्हाट आर द सॉल्यूशंस इनके लिए। ठीक है, तो ये क्लीन अथॉरिटी जो आई है वो तेलंगाना के अंदर आई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑस्ट्रेलिया में क्या किया है कि वहाँ पे जो अपने ये होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने एक नई स्पीसी जो खोजा है, मतलब नई स्पीसी है नहीं वैसे, पुरानी है जिसको, लेकिन इन्होंने उसका जो एग्जिस्टेंस था, जो अस्तित्व था, वो अभी पहली बार पता चला है हमें कि ऐसा कुछ जानवर पहले एग्जिस्ट करता था। कौन सा जानवर है ये? मीट ईटिंग प्रेडेटर है, मतलब वो खाने वाला है, एक लॉयन बताते हैं, मार्सुपियल लॉयन। ठीक है, ये यहाँ पे इसने बताया जैसे वर्ड। अब ये है कि ये मार्सुपियल लॉयन होता क्या है, पहले अगर देखा जाए तो मार्सुपियल जो लॉयन होता है, ये जो मार्सुपियल्स होते हैं, जो पर्टिकुलर स्पीसीज होती है, ये आपको ध्यान होगा केवल ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलती है। और जो मार्सी जो मार्सुपियल्स होते हैं, खास बात ये होती है कि ये इनके जो बच्चे होते हैं ना, वो पाउच के अंदर कैरी करते हैं। आपने अगर कंगारू देखा होगा, कंगारू के सामने पेट के पास थैली होती है, पाउच जैसा होता है जिसमें अपने बच्चे को संभाल के रखता है। तो ऐसे मार्सुपियल और कौन कौन से होते हैं, कंगारू हो गया, वालाबीज हो गए, कोआला आपने देखा होगा, मोदी गया था उसको गोद में दिया था वहाँ के, उसने अपने वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने, पॉसम हो गया, ठीक है, वॉम्बैट्स हो गए, और तस्मानियन डेविल हो गया, ये सब के सब वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट एक कपरा लेक मिलती है अपनी, कपरा लेक है कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर है। उसमें हुआ क्या है कि एक वाटर हायसिन नाम का एक पेरिनियल ये था, एक प्लांट था नेटिव जो साउथ अमेरिका के अंदर मिलता था, इसमें वहाँ पे ये अपना इसमें इस पर्टिकुलर लेक के अंदर वो आके बैठ गया और बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है कि ग्रोथ कर रहा है। उस ग्रोथ के कारण क्या हो गया है, पूरी की पूरी लेक एक तरीके से पॉल्यूट हो चुकी है, वहाँ पर कचरा जैसा भर गया है और इश्यूज हो रहे हैं काफ़ी। ठीक है, तो इसी कारण ये पंगे चल रहे हैं वहाँ पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कुछ खास है नहीं, कपरा लेक जरूर याद रखिएगा, ये हैदराबाद के अंदर है अपनी। IUCN अपनी पता ही है अपनी, ये इंटरनेशनल यूनियन है जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए, ये जो अपनी जिनमें रेड डाटा बुक निकालती है, रेड लिस्ट निकालती है, जिसमें वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और द क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली लिस्ट में हम बार बार पढ़ते रहते हैं, जानवरों के नाम आते रहते हैं। तो वो IUCN ने क्या किया है, दो कीवी बर्ड को इंडेंजर्ड से वल्नरेबल में डाल दिया है। ठीक है, अब जो ये वल्नरेबल डाला है, ये कौन सा एनिमल डाला है, कीवी बर्ड। तो कीवी बर्ड मिलते हैं कहाँ पे, न्यूजीलैंड के अंदर। जो कीवी बर्ड होती है स्पेशली होती क्या है, ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है ये। ठीक है, जो मतलब बिना पंखों वाली होती है, उड़ नहीं पाती है, पंख होते भी तो इतने पावरफुल नहीं होते कि वो उस वेट को जो शरीर है उसका उसको उठा पाए। ये जो कीवी है ये क्या करती है, एग्स देती है पहली बात तो, और इसके जो एग होते हैं उसकी बॉडी की कंपेरिजन में बहुत बड़े होते हैं, तो एक स्पेशलिटी है इस कीवी की। और कौन कौन सी फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ नहीं पाती है, कौन कौन सी, ऑस्ट्रिच हो गया, इमू हो गया, रिया हो गया, कीवी हो गए, पेंगुइन्स हो गए, कैसावरी हो गई, नाम याद रखना, ये अपने सारे फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। नेक्स्ट अपनी स्लाइड जो है ये है, चीता को उन्होंने क्या किया, IUCN ने ना अभी इसको वल्नरेबल से इंडेंजर्ड में डाल दिया है साउथ अफ्रीका के अंदर फार्मिंग के चक्करों के अंदर ना, और ये 11% वहाँ से पहले का पॉपुलेशन कम हो चुकी है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर। चीता मिलता कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर मिल रहा है यहाँ पे राइट नाउ, साउथन अफ्रीका एक्सेट्रा के अंदर। पहले क्या होता था, आज अपना जो ये सीरिया जो पार्ट है मिडिल ईस्ट, वहाँ से लेके म्यांमार तक, बर्मा तक पूरा चीता मिलता था, इंडिया इंक्लूडिंग होकर ईरान से होते हुए। इंडिया में पूरी तरह से ये चीता गायब हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, और इंडिया वाले बोल रहे थे कि हम शायद इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करेंगे हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। आपने जो पता होगा बन्नी ग्रासलैंड कहाँ मिलते हैं, गुजरात के अंदर, जहाँ पे अपना ये लेटर रन ऑफ कच्छ एरिया है जो पूरा का पूरा, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही थी, एक MP में बोल रहे थे कहीं पे, और एक छत्तीसगढ़ में ढूंढा गया था कि जगह यहाँ पे शायद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अभी तक हमें मिला नहीं है। चीता के लिए हमने ईरान से बात की थी, ईरान ने मना कर दिया था, अभी बातें फिर चल रही हैं, लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर के अंदर। मजूली आइलैंड के लिए क्या किया, आसाम के अंदर वहाँ गवर्नमेंट ने और सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है अपनी, मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, उसने ये सब ने मिलकर बोला है कि मजुली जो आइलैंड है उसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। मजुली आइलैंड को पता ही होगा आपको, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा के अंदर। इसी आइलैंड को पहली बार इंडिया ने क्या कर दिया था, डिस्ट्रिक्ट बना दिया था, राइट। और ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर ये मतलब जो बनता कैसे आइलैंड, आइलैंड के चारों तरफ पानी होना चाहिए लेकिन रिवर आइलैंड है, तो कौन सी रिवर के अंदर है, एक तरफ तो ब्रह्मपुत्रा है उसी की एक ब्रांच है ये खेरकुतिया जूती, दूसरा क्या है सुबानसरी होती नॉर्थ के अंदर। ये तीन ब्रांच आप याद रखिएगा, सवाल बन सकता है यहाँ पे, बिगेस्ट रिवर आइलैंड, डिस्ट्रिक्ट है ये खेरकुतिया, ब्रह्मपुत्र और सुबान से तीन के चारों तरफ वो रिवर की वो है। और ये जो बना किससे है, ये बेसिकली सॉइल होती है, सिल्ट डिपॉजिट होते हैं, एलुवियल फ्लड प्लेन्स हैं, ये सारे के सारे इसको बनाते हैं।
स्कीम जो हमने बात कर रहे थे, ये किसको कौन इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इसको? ब्रह्मपुत्रा बोर्ड किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में एक मिनिस्ट्री है डोनर अपनी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वो इसको फंड करेगी। ठीक है, काम क्या करेंगे, बैंक का वो कर देंगे, रिवेटमेंट करेंगे, जियो बैग वहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, पॉर्क्यूपाइन ये कुछ वर्क कर रहे हैं, स्लूस कंसेप्ट, ये चीज़ें हैं जो हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी सारी की सारी, ये अपनी प्री के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये आसाम का पूरा मैप है, राइट। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हम इसमें मजुली आईलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट मूव साइक्लोन ऑक्सी, ये अपना एक वेस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है ना, ये मैप देखिए यहाँ पे, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, इसके अंदर क्या हुआ था, ये हिट किया था। ठीक है, साइक्लोन ऑक्सी ने आया किधर से, देखिए यहाँ से आते 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 ऐसे निकला था, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं ओरिजिनेट हुआ था, इधर साइड में इधर आते आते अरेबियन सी के थ्रू साइक्लोन स्टॉर्म चला गया था। ऑक्सी का दूसरा नाम होता है बंगाली में आई आंख। ठीक है, और इसको वेरी सीवियस साइक्लोन स्टॉर्म का कैटेगरी में डाला गया था। नाम याद रखिएगा कहाँ से क्या आया था, सवाल बन सकता है। ब्लू फ्लैग देखिए, एक अपनी एक एनजीओ है, FEE फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, एनजीओ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करती है, इन्वायरमेंट की एजुकेशन के लिए बोल रही हैं। ठीक है, ये जो अपना ब्लू फ्लैग जो प्रोजेक्ट है, ये कर इसमें करना क्या है, ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला, नीला जो समुद्र होता है, जितना बीच जो पार्ट है अपना समुद्र के पार पर कोस्ट वाला जो एरिया होता है, वहाँ के जितने बीच होंगे, वहाँ का सस्टेनेबल जो जो अपना बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर होगा, इन सबको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर जो ब्लू फ्लैग में जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो FEV देगा, वो अगर आप मीट कर रहे हो, मतलब आपने उतना मतलब कैपेबिलिटी है, स्किल्ड है आपके पास में, या आपने उतना अच्छा काम किया, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट मिलने से क्या होगा, आपकी जो आपने जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया, कंजर्वेशन किया है, उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बोला गया कि प्लीज आप अपना एक बीच को नॉमिनेट करो और उसको मतलब इसको इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है प्री के लिए, याद रखिएगा। वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर हाईवे है, वो कहाँ बना है, वो चाइना के अंदर बना है, वहाँ के जिनान एक वो सिटी है उसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे फोटो, ये तो प्रॉपर रोड है। ठीक है, उन्होंने क्या किया ना, ये वहाँ पे हाईवे के अंदर आधी रोड के अंदर उन्होंने ये क्या कर दिया, फोटोवोल्टिक पैनल्स को लगा दिया। कैसे लगाया, बॉटम के अंदर उन्होंने इंसुलेटिंग लेयर लगाई है, उसके बीच में फोटोवोल्टिक प्लेन लगा दिया, और सबसे ऊपर क्या किया, ट्रांसपेरेंट कंक्रीट लगाई है। देखिए जो ऊपर ट्रांसपेरेंट है, नीचे हमको ये दिख रहे हैं, पूरी रोड पर सन गिरेगी, वो सनलाइट को अपने अंदर लेगा और उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देगा। ठीक है, कौन सी एरिया में, फर्स्ट सोलर हाईवे जनान चाइना के सैंडोंग प्रोविंस के अंदर टेस्टिंग के लिए उन्होंने खोल दिया है। ये बोल रहे हैं 1 मिलियन किलोवाट आवर्स की पावर जनरेट करेगा और स्पेस बचाएगा। ये जो हम बाबा के खेतों के अंदर लगा रहे होते हैं ना सोलर वाले, तो वो पार्ट हमारा बच जाएगा। लेट्स सी डे जीरो क्या है, ये साउथ अफ्रीका का मैप देखिए पहले तो यहाँ पे। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका है। ये एक सवाल ही बनता है प्री के अंदर, याद रखना कि लिसोतो एंड स्वाजीलैंड जो है ना, ये साउथ अफ्रीका के बीच अंदर ही हैं ये। ठीक है, एक ये देखिए इधर, ये ईस्टर्न वो है कोस्टल एरिया है किसका, अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका इधर एक है, उसके मोजाम्बिक आता है, फिर तंजानिया, फिर केरला, सॉरी केन्या, एंड ऊपर आ जाएगा अपना सोमालिया। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ऐसे इधर भी नामीबिया, अंगोला और गबोन इधर आ जाते हैं। इधर याद रखना ये मेडागास्कर या मॉरिशस, सेशेल्स और ये कोमोरोस आइलैंड आ जाएंगे, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। और जो तंजानिया के 2-3 आइलैंड हैं, यहाँ पर भी आप जरा उसमें मैप में जाकर चेक कर लीजिए कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है कि वहाँ पर केप टाउन, ये देखिए छोटा सिटी है। ठीक है, अभी आपको याद होगा आज न्यूज़ में आ रहा था, INSV तरीनी नहीं है अपनी, जहाँ पे फुल केवल अपनी वुमन ही उस शिप को चला के पूरे वर्ल्ड का और बिना किसी की हेल्प के वो जो सीज़ है ना उसका पूरा चक्कर लगा के आई हैं। तो यहाँ पहुँच गई हैं, इंडिया से निकली थी, अब थोड़ा ही रहा है बस इंडिया यहाँ पास में ना, तो वहाँ से निकल के पूरा ऑस्ट्रेलिया से निकलते हुए अपना पूरा पैसिफिक क्रॉस किया, फिर साउथ अमेरिका, और अब यहाँ पहुँच गई केप टाउन के अंदर। ठीक है, थोड़े दिनों में वो इंडिया पहुँच जाएंगी। तो केप टाउन में क्या हुआ कि वहाँ पर डे जीरो का इशू हो गया, मतलब पानी खत्म होने वाला है, जिस दिन पानी खत्म होगा उन्होंने उसको डे जीरो बोला है। अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मई 2018 तक पानी खत्म हो जाएगा उस सिटी के अंदर, तो वाटर लेवल बहुत ऑलरेडी कम हो चुका है, वहाँ ड्रॉट वाट पड़ गया। तो ये पॉइंट याद रखिए, वर्ड याद रखिएगा, डे जीरो फॉर द केप टाउन साउथ अफ्रीका के अंदर पानी खत्म होने का। तो वहाँ पे काफ़ी बैन वैन लगा दिया कि आप ये पानी मत खर्च करो, यहाँ मत करो, गाड़ियाँ वाड़ियाँ मत धो, गार्डन वार्डन बंद कर दो करना, एसेट्रा एसेट्रा। UN के अंदर एक ओशन कॉन्फ्रेंस आई है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि ये UN की जो है इश्यू है ये उसमें कि न्यूयॉर्क के अंदर पहली बार पानी के लिए ओशन समुद्र के लिए कॉन्फ्रेंस जनरेट किया उन्होंने जून 2017 के अंदर। बहुत ही हाई लेवल ये यूनाइटेड नेशन ये थी कॉन्फ्रेंस थी। सस्टेनेबल गोल है अपना SDG 14, उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, सस्टेनेबल यूज़ कर रहे हैं ओशन को। ठीक है, तो उसके अंतर्गत तो उन्होंने पहली बार UN ओशन कॉन्फ्रेंस को न्यूयॉर्क के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया था। Let's see what we have next.
एंटी स्मोक गन आ गए दिल्ली के अंदर। ये क्या किया था आपको पता ही होगा, दिल्ली के अंदर लास्ट नवंबर दिसंबर के अंदर बहुत वहाँ पॉल्यूशन रहा था, बहुत धुआं धुआं सा हो गया था। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, एंटी स्मोक गन लेके आए थे। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये एंटी स्मोक गन है, इसका नाम एक कंपनी नाम क्लाउड टेक है। उसमें क्या करते हैं, उसको छोड़ते थे ये स्मोक गन को, फायर करते थे। फायर के अंदर क्या होता है, पानी छोड़ते हैं, वाटर मिस्ट कैनन होती है, मतलब वाटर के फुहारे टाइप मिस्ट जैसा होता है ना, कि वो कोहरा टाइप का पानी नहीं होता वैसा, वो ऊपर डाला जाता है और वाटर टैंक के ऊपर माउंट करके उसको फेंका जाता है आकाश के अंदर 230 फीट से जाता है, और पानी को ब्रेक करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ दिया जाता था, कि ऊपर से ना एक फुहारों जैसे गिरता है वो। वो क्या करेंगे, फुहारे जो वहाँ पे ऊपर जो अपना वातावरण में जितना भी कचरा होगा, धूल मिट्टी जो ऊपर उड़ रही होती है, उसको अपने एक अंदर लेगा और नीचे गिर जाएगा, उसके कारण पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो 5-10 जगह छोड़ी गई थी दिल्ली के अंदर। तो याद रखिएगा एंटी स्मोगन होती क्या है। फिर एक नाकुंडम हॉर्नबिल है। नाकुंडम जो अपना क्या है ना, कि नाम कहाँ से आए, अपना आइलैंड से आया था। नाकुंडम आइलैंड मिलता है कहाँ पे, अंडमान निकोबार के ऊपर की तरफ जाइएगा, थोड़ा मैप में चेक कर लीजिएगा जियोग्राफी वाले में, और उसी के ऊपर कोकोज आइलैंड है, वहाँ पर यह हॉर्नबिल मिलती है। डायग्राम देख लीजिए, डार्क हॉर्नबिल छोटी होती है, स्मॉल होती है, मोनोगोमस होती है, नॉन माइग्रेटरी, मतलब कहीं जाति वाती नहीं, माइग्रेशन नहीं करती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिक होती है, ठीक है। नारकुंडम जो आइलैंड है उसके ऊपर मिलती है डोरमेंट, ये वोल्केनिक आइलैंड है, डोरमेंट है, मतलब वोल्केनो यहाँ पहले होता, अभी मतलब काम नहीं कर रहा, बंद हो रखा है। इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है ये आईयूसीएन के अंदर, ठीक है। और नारकुंडम आइलैंड के अंदर वाइल्ड जो लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया गया है, और नारकुंडम आइलैंड के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई गई है जो इंपॉर्टेंट बर्ड एंड डाइवर्सिटी एरिया में आता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सवाल बन सकता है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। और जो नाकुंडम वाला और जो आपकी अंडमान और निकोबार की जो मैपिंग है, प्लीज़ कर लेना। लास्ट ईयर अराउंड अप्रैल के अंदर इसी ओनली आई इसके ऊपर एक इंडिया बुक का फर्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर लास्ट के अराउंड 10-15 मिनट के अंदर अंडमान निकोबार को कवर किया गया, सारी मैपिंग को प्लीज़ जरा जाके देख लीजिएगा। लेट्स सी, एक और है, सेंटर ऑफ और गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ खुली गई है, एक थिंक टैंक है ये अंडर द एजी ऑफ द NMCG, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा। इसका मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक इंडिया वर्ल्ड लीडर इन रिवर एंड वाटर साइंस। ये क्या करेगा, टेक्नोलॉजी लेके आएगा, इनोवेशन करेगा, सॉल्यूशन करेगा, है कहाँ पर ये, याद रखना, IIT कानपुर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडिया को क्या किया गया, साइट्स ने एक सर्टिफिकेट दिया है, किस चीज़ के लिए, कि भैया हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किस मामले में काम कर रहे हैं, जो जानवरों जानवरों को बचाने के लिए जिनकी ट्रैफिकिंग हो रही होती है, ठीक है। तो हमने किस में ये जो मतलब किसको दिया, किसको गया है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में जो हमने एस्टेब्लिश किया था उसको दिया है, बिकॉज उसने एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया था, उसका नाम था ऑपरेशन सेव कुरमा। कुरमा का मतलब होता है कछुआ, डायग्राम में दिख ही रहा होगा, ठीक है। विष्णु का एक अवतार भी वो जो बताते हैं वो भी मतलब कछुए वाला अवतार था, उसी को कुरमा अवतार भी बोलते हैं। तो उसने क्या किया था, इस प्रोग्राम के अंदर हमने, इस ऑपरेशन के अंदर जो इलीगल ट्रेड हो रही थी ना अपने इसके कछुओं की, उसको हमने रोका था। तो इसी साइट्स ने क्या किया, हमें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो हमारी कंट्री का है उसको प्राइज दिया था, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन। लेट्स सी साइट्स क्या होता है, साइट्स की फुल फॉर्म चेक कर दीजिए, फर्स्ट लाइन देखिए यहाँ पे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। पहला वर्ड याद रखिएगा, ट्रेड के अंदर ये रोक रहा है, किसकी ट्रेड को, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, जानवर भी और अपने पेड़ पौधे भी। इसी का दूसरा नाम वाशिंगटन कन्वेंशन था, मल्टीलेटरल ट्रीटी है, पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होता है, लेकिन एक बार ज्वाइन कर लिया तो लीगली बाइंडिंग होगा, लेकिन आप खुद मतलब रूल नहीं बनाएगा, कंट्री को बोलेगा रूल बनाने के लिए, ठीक है। 1973 में पहली बार आया था, और इसका काम क्या है, इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल को बचाना। गंगा ग्राम प्रोजेक्ट आया है, आपको पता होगा, जितने भी रिवर, गंगा रिवर के ऊपर जितने भी हमारे गांव हैं, उन सबको गंगा ग्राम का एक वो देके एक होलिस्टिक एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम उनको लिक्विड मैनेजमेंट भी करवाएंगे, जो कचरा होता है सॉलिड वाला कचरा होता है उसका भी मैनेजमेंट करेंगे, वेस्ट का, पानी, वाटर रिसोर्सेज, पानी का बचाव, कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर जो होता है अपना, मेडिसिन प्लांट जो होते हैं, इन सब का प्रमोशन किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। और बोला यह जा रहा है कि सबको 31 दिसंबर 2018 तक हम गंगा ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, और गांव वाले जो होते हैं, विलेजर्स जितने भी होते हैं, सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाएगा इसके अंदर। वैसे गंगा जो प्रोजेक्ट है वो कर कौन रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये वर्ड याद रखना, फर्स्ट लाइन देख लीजिए स्लाइड की, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, एयर गवर्नमेंट पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक एक्शन प्लान लेके आई है, ठीक है, वो डिटेल्ड वाला था, इसमें अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक वो कर दिया है, ठीक है, NGT ने भी कर दिया है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपना अपना एक्शन प्लान एयर पोल्यूशन रोकने के लिए कम कर दिया है। इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक रीजनल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, जो क्या करेगी, स्टबल बर्निंग जो होती है ना अपनी हरियाणा पंजाब के अंदर, जो फसल कटने के बाद में स्टबल जो होती है उसको जो टैकल करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया है।
तीन डिफरेंट कैटेगरी के अंदर ये एयर क्वालिटी को उन्होंने टैकल करने की कोशिश की है। और ये जो ग्रेडेड एक एक्शन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान था जो लास्ट ईयर आया था, जिसके अंदर हर ग्रेडिंग के हिसाब से होता है ना कि इतना इतना अगर पॉल्यूशन हम ये स्कीम ये जो मेजर्स होते हैं ये वाले काम करेंगे उससे ज़्यादा बढ़ा तो फिर इसके लिए एक्स्ट्रा और किया जाएगा, फिर तीसरा अगर लेवल आएगा तो और किया जाएगा। तो ग्रेड वाइज जो प्रोग्राम जो मतलब जो स्कीम लॉन्च की थी कि हर ग्रेड के पॉल्यूशन के लिए डिफरेंट टाइप के मेजर्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा, वैसा ही दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए तीन डिफरेंट कैटेगरी है, कैटेगरी वन है, कैटेगरी टू है, कैटेगरी थ्री है, और इन तीनों के लिए वन के लिए यहाँ पे है, टू के लिए यहाँ पे और थ्री के लिए यहाँ पे। इनको हम याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए कोई सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, हाउएवर ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें कैटेगरी वन में देखिए पीएम टू पीएम टेन एंड पीएम 2.5 को ही चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, बाकी कोई और पॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ 500 और 300, यहाँ 800 500 और यहाँ 1600। तो पहली कैटेगरी में छोटा मोटा वो मतलब स्टेप्स ले जाएंगे, कैटेगरी टू ज़्यादा बढ़ गया तो और ली जाएंगे थर्ड में, सुपर वाले यहाँ पे सब कुछ वो किया जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक अपना क्या किया, ये नृपेंद्र मिश्रा जो पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई थी, उन्होंने ड्राफ्ट एक्शन प्लान्स को प्लान को लॉन्च कर दिया है। इस प्लान के अंदर 12 ये पूरे अपने मेजर्स हैं, पॉइंट हैं, उसको उसने ये लॉन्च करेगा। हो क्या रहा था, मल्टीपल थे, सेंटर बोलते मैं ऐसे काम करूंगा, स्टेट वाले कुछ और बोल रहे थे, कोई और एजेंसी है, कोई और मिनिस्ट्री है कुछ बोल रही थी, तो उन सबको हटा के पीएम ने बोला बहुत हो गया नाटक, चलो आओ बैठते हैं और बात करते हैं, और सब मिला के एक प्लान बनाया गया जिसमें पूरा का पूरा इसको एक साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा। प्री के लिए इतना सारा देखने की याद करने की जरूरत नहीं, एक रीडिंग मार सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, लेट्स मूव। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च की है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, हम स्टेबल होता नहीं थोड़ा टुकड़ा बचा हुआ है जो राइस का है ना, इन्होंने जला देते थे। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या किया है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने स्कीम का नाम देखिए क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डिंग अमंग फार्मर्स थ्रू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, इस स्कीम को लॉन्च किया है उन्होंने। ठीक है, और ये NAFCC के अंदर में लॉन्च की गई थी, फर्स्ट फेज के अंदर उन्होंने 100 करोड़ पैसे लॉन्च किए हैं, कहाँ, पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान के लिए अवेयरनेस जनरेशन की जाएगी और फार्मर्स को बोला जाएगा भाई कुछ और काम कर लो, अल्टरनेट प्रैक्टिसेस कर लो, जलाने के कुछ और कर लो, तो उनको हेल्प की जाएगी पर्टिकुलर जो डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट जो अरेंजमेंट होते हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए। ये एक अपनी एनजीओ है, सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, SCN बोलते हैं, उसने फर्स्ट इंडिया की नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट को लॉन्च रिलीज किया है कि मतलब इंडिया में कितना नाइट्रोजन वाला इशू चल रहा है। ठीक है, हो क्या रहा था, ज्यादा यूज कर रहे थे हम फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन वाले ना, यूरिया वगैरह, उससे क्या कर रहा था, पहले तो बढ़ा था प्रोडक्शन अपने अनाज का, लेकिन अब धीरे धीरे बाद में कम होना स्टार्ट हो गया, यील्ड कम होती जा रही है। उसके बाद में होता क्या है, वो पानी को अंदर चला जाता है, कैसे जाता है, अंदर आपने पानी में जमीन में डाला उसको सॉइल के अंदर, वो धीरे धीरे लीच होता जाएगा, जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, फिर लोगों के अपने पेट में जाकर बीमारियां करवाता है, फिर क्या करता है वही चीज़ ना लीक होते होते अपने रिवर्स के अंदर, अपनी जो लेक हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, उनमें पहुंच जाती हैं, वहां फिर क्या करता है, फिर वो वहाँ पे वो कचरा करके उस पर्टिकुलर जो वाटर बॉडी होती है ना उसको पॉल्यूट करके उसको खत्म कर देता है एक तरीके से। फिर वही नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर वो ग्रीन हाउस गैस हो रहा है अपना, क्लाइमेट वार्मिंग हो रही है, इकोनॉमिक इंपैक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हो आप, तो इंडिया को $10 बिलियन का वैसे नुकसान हो रखा है, साथ साथ उसी के कारण हेल्थ के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट का बहुत नुकसान हो रहा है, तो 75-75 बिलियन डॉलर US इतना और हमें नुकसान होता जा रहा है नाइट्रोजन के एक्सेस के कारण। हेल्थ इंपैक्ट अगर पूछता है कि नाइट्रोजन की बीमारी कारण कौन सा है, मतलब पर्टिकुलर वो आती है, तो याद रखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसी में देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है, होता क्या है कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, 78% है, ज्योग्राफी में एक सवाल बनता है प्रीलिम्स के लिए, पूरा एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, 71, 8, 21 और बाद में जो अपने कौन कौन से जीनोन ऑर्गन जो इतने भी आते हैं ना सारे, उनका वो क्या है, उनका सिक्वेंस क्या है, कौन सब ज़्यादा सबसे ज़्यादा कम कौन सा है। ठीक है, एक MCQ तैयार कर लीजिएगा जाके ज्योग्राफी में अभी जाके। नाइट्रोजन पॉल्यूशन देखिए आता है कहाँ से, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कहाँ से आएगा, ठीक है, वो अपना ये फर्टिलाइजर से आ जाएगा, उसके बाद कहाँ से आता है अपना पॉल्यूशन, सीवेज से आता है, ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट से आता है, अमोनिया कंसेंट्रेशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो बिकॉज कैटल पॉपुलेशन जो होती है और फर्टिलाइजर यूज जो हो रहा है उसके कारण हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है, ग्रीन गैस हाउस इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है एंड इंडिया के अंदर हाइएस्ट है। ये वर्ड याद रखिएगा, अमोनिया कंसेंट्रेशन कौन सी कंट्री में हाइएस्ट है हमारे वातावरण में, वो है इंडिया। लेट्स मूव। ये एक सियाम एक वो है MCQ टाइप बन सकता है। सियाम होता क्या है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, जितनी भी हमारे गाड़ियां बनाने वाले हैं ना उन सब का एक ये पूरा एक सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल ये मैन्युफैक्चर है ये। ठीक है, उसने क्या किया है, एक अपना वाइट पेपर लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। वो बोल रही है कि हम 2030 तक क्या करेंगे, जितने भी हम गाड़ियां बेचेंगे 2030 के बाद वो 40% जो सेल हो रही होंगी वो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होंगी। ठीक है, और उस टाइम पर हमें, और गवर्नमेंट ने क्या किया था 2030 तक की, तो ये बोला था कि पब्लिक के अंदर जितने भी गाड़ियां यूज की जाएंगी ना सरकार की तरफ से वो सारी 100 इलेक्ट्रिक होंगी, और जो पर्सनल मोबिलिटी होगी लोग खुद यूज कर रहे होंगे वो 40% इलेक्ट्रिसिटी होंगी। ठीक है, तो उन्होंने सियाम ने भी अपना बोला कि ठीक है हम भी एक वो कागज निकाल देते हैं जिसका कोई हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट ये जरूर याद रखें कि होता क्या है सियाम। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है अपना गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो अपना सियाम ने जो मुझे बताया था कि जो नया वाइट पेपर निकाला है, तो लेट्स सी गवर्नमेंट वालों ने अपना और क्या क्या निकाल के रखा है। फर्स्ट इज़ नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन। ये देखिए यहाँ पे एक हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं अपने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। अगर आपको याद होगा महिंद्रा ने बहुत पहले एक अपनी जो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी आती थी उसके पीछे माइक्रो हाइब्रिड लिखा रहता था। सैमरली उन्होंने माइक्रो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि जो पेट्रोल से भी चलती है और जिसमें इलेक्ट्रिकल मतलब एलिमेंट भी होता है जो बिजली से भी चलती है, ठीक है, तो वो वाला हाइब्रिड होता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब प्योर वो केवल इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी। तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन में ये आया था 2010 तक हमें 6 से 7 मिलियन जो अपने व्हीकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करना है, इंक्लूडिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक दोनों मिला के। ऐसा ही एक एक और स्कीम है फेम इंडिया स्कीम, उसकी फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। फेम इंडिया जो है इसका याद रखना है आपको, ये जो इसकी मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री वाला है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री वाला। मेन काम इसका यही है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी देना उनको, ठीक है। और 2020 तक बोल रहे हैं कि हम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। चार फोकस एरियाज हैं उनके, टेक्नोलॉजी देना, क्रिएशन डिमांड क्रिएशन मतलब कि लोग उसको खरीदने के लिए जो मतलब तैयार हो जाएं, वो डिमांड मतलब को क्रिएट करना, पायलट प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? चार्जिंग वाला, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल है कहीं जा रही होगी 400-500 किलोमीटर की रेंज होती है तो वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन भी होना चाहिए, राइट। तो वो उसके अंदर क्या होता है मतलब वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड सेकंड थिंग है अपनी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन भी बना 2030 तक, कि पूरा का पूरा गाड़ियों का हमारे पास आल इलेक्ट्रिक फ्लीक होगा, ठीक है। फिर ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2026 का आया है, उसमें ये बोला है कि जो हमारी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री नहीं है, गाड़ियों वाली जो इंडस्ट्री है उसको हम वर्ल्ड में नंबर 3 पर लेके आए, टॉप 3 के अंदर लेके आए। किस मामले में? इंजीनियरिंग के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, उनका एक्सपोर्ट वगैरह किया जाए। और इंडिया की जो GDP है ना उसका 12% जो वो गाड़ियों वाला जो अपना एक्सपोर्ट वो एलिमेंट है उससे निकल के आए, व्हीकल वाले से, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने क्या किया है, एक गट्स और निकाला, GUTS गट स्कीम होती है, उसकी फुल फॉर्म है ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम। उसमें उन्होंने क्या किया है कि ग्रीन अर्बन के अंदर रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ द हार्मफुल कार्बन गैसेस फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली फ्रॉम द जो गवर्नमेंट वाली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती है उनसे, ठीक है। इको फ्रेंडली जो ट्रांसपोर्टेशन है अर्बन एरियाज के अंदर विदाउट डैमेजिंग द जो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको एस्टेब्लिश किया जाए। मतलब जो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि ऐसा इस तरह का मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला वो लेके आना जो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। जैसे मेट्रो अगर आपने लगा दी कहीं पे तो वो क्या करेगी, इस पूरे एरिया को कैटर करेगी, तो आपको अपनी पर्सनल गाड़ी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। देन आपने फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों को सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया, हाइब्रिड व्हीकल को सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया, इन सबको मिला मिलो के ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम वाला वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक ये ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट है, सारी जितनी रिपोर्ट आती है प्लीज़ एक पेज पर लिख के याद कर लीजिएगा, उनमें से एक हर साल पूछी जा रही है लगातार, कभी 2 कभी 3, लास्ट ईयर एक ही पूछी गई थी। ये जो अपनी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 है वो निकाली किसने है, 3 इसके अंदर पॉइंट है, 3 मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर निकाल रही है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल अपनी जो टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है ITU, और एक और है इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, तीनों ने मिलकर निकाली है। हाईलाइट ऑफ द स्टडी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला जो पॉइंट था वही इंपॉर्टेंट था, फिर भी हम देखते हैं क्या है। ये बोल रहा था ई वेस्ट वाला कि वर्ल्ड के अंदर ई वेस्ट जो है ना 8% से बढ़कर 17% हो गया है, 20% ही जो ई वेस्ट है ना वही कलेक्ट और रिसाइकिल किया जा रहा है, 4% को हम क्या कर रहे हैं लैंडफिल में फेंक रहे हैं, एसेट्रा एसेट्रा, और बढ़ता हुआ जाएगा। लास्ट पॉइंट देखिए 5 नंबर वाला, इंडिया ने 1.95 मिलियन टन ई वेस्ट लास्ट ईयर जनरेट किया था। और 4th नंबर पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आपको ई वेस्ट फेंक रहे होते हैं उस मोबाइल के अंदर या फिर कोई और भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है घर में, उसमें गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, कॉपर भी होता है, प्लेटिनम भी होता है, पैलेडियम भी होता है, अगर इन सबको अगर हम देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना अगर हम ई वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं हर साल $55 बिलियन का उसमें से प्रेशियस मेटल मालर निकलता है, $55 बिलियन का प्रेशियस मेटेरियल निकलता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा उसको, मतलब किसी ढंग के बंदे को बेचिए ताकि आपको कुछ ऑफिस मिल भी सके। ये उस रिपोर्ट का मेन पेज था। ये जैसे इसमें कोने में देखिए ये बहुत ही अच्छा फैक्ट उन्होंने दिया है, 2016 के अंदर 44.7 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट को जनरेट किया था पूरे वर्ल्ड ने। ये अगर हम कैलकुलेट करें तो जो एफिल टावर होते हैं ना, हम देखा होगा पेरिस के अंदर जो है, 4,500 एफिल टावर के बराबर है वो सारा कचरा। चाइना ने क्या किया है, नेशनल कार्बन मार्केट को लॉन्च किया है, ठीक है। ये जो उसमें क्या करना है, जो उनका जो कंट्री का लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस को जो इमिट करने वाला जो ये कचरा जो निकालता है, गैस निकालता है,
उसके ऊपर कार्बन प्राइस सेट करके। इसमें क्या रहेगा कि जो मार्केट बेस्ड अप्रोच रहेगी ताकि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके, वो लिमिट विमिट लगा देगा कि भैया आप इतना निकालोगे, एक्स्ट्रा निकालोगे तो आपको पे करना पड़ेगा पैसा, और जो इंडस्ट्री कम निकाला स्टार्ट कर देती है तो वो अपना जो जितना उसने कम निकाला होगा ना, जो लिमिट जो उसके लिए तैयार की गई होगी उससे कम वाला पैसा उसको उस कंपनी को मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये जो इमिशन ट्रेडिंग वाला जो फंडा था वो क्योटो प्रोटोकॉल आर्टिकल 17 के अंदर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर उन्होंने तैयार किया था। ठीक है, कि उसमें करते क्या है कि ये दो कंपनियां मान लीजिए, ये ठीक है, एक कंपनी यहाँ पे है एक कंपनी यहाँ पे, उनको बोला कि आप केवल 10 ही मतलब मेट्रिक टन या मतलब ना वो निकाल सकते हो, ग्रीन हाउस गैस निकाल सकते हो। तो इस कंपनी ने निकाला 12, ठीक है, इस कंपनी ने निकाला केवल 8, है ना। तो वो क्या करेंगे, ये वाली कंपनी को पैसा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या वो क्या करेगी मार्केट में इसको, ये जो कंपनी होगी ये दो को, ये दो जो एक्स्ट्रा जो उसने बचाया है अपना, उस दो को मार्केट के अंदर बेचेगी। तो ये कंपनी को क्या करेगी, ये कंपनी को जब उसने एक्स्ट्रा जो जनरेट किया है ना उसको ये खरीदना पड़ेगा, बिकॉज वो कोटा पूरा करने के लिए मतलब उतना पैसा पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि आप हमें ना पे करके मार्केट में पे करो, कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है ना वो अपना जो उसने जो कोटा बचाया है ना कम ग्रीन हाउस गैस निकाल के उसको वो पे करते रहे। इसी को बोलते हैं इमिशन ट्रेडिंग, जो जितना बचाएगी उसको वो अपना उतना बचाया हुआ पार्ट, हर जो कंपनी जो नहीं बचा पा रही, जो एक्स्ट्रा कचरा निकाल रही है पॉल्यूशन के जगह के रूप में, उसको वो बेच सकती है। ठीक है, ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंडर में आया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। इंडिया में भी ऐसा ही है, परफॉर्म करो, अचीव करो और ट्रेड करो जो आपने बचाया है। 2012 में आया था ये स्कीम का नाम, देखिए यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी, जो NEPCC है ना उसमें 8 वो मिशंस हैं। ठीक है, वार्ड मिशन आज ही तैयार कर ली जाके, हर मिशन जो है ना हर डिफरेंट मिनिस्ट्री में आता है, मतलब कुछ मिशन ऐसे हैं जो एक ही मिनिस्ट्री में आते हैं, दो तीन मिशन जो ऐसे हैं, लेकिन हर मिशन का एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है और उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो प्लीज़ तैयार कर ली जाके, ये याद रखना, पैट स्कीम जो आई थी वो उसमें आई थी, नेशनल मिशन ऑन एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, इंप्रूव करना है हमें एनर्जी एफिशिएंसी को एंड बाय ट्रेडिंग द एनर्जी एफिशिएंसी इन द एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स के अंदर। लेट्स मूव, ये नेपाल भूटान और बांग्लादेश ने क्या किया, तीनों ने मिलकर हमने डिसाइड किया इंडिया के साथ हुए कि भैया हम जॉइंट सेंसस करेंगे टाइगर पॉपुलेशन के साथ मिलके, हम कैलकुलेट करेंगे कितना है। ठीक है, तो उन्होंने ये 80% 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, 80-90% टाइगर्स की पॉपुलेशन वो इंडिया के अंदर मिलती है। ठीक है, मतलब नहीं सॉरी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट मिलती है, और 60% मतलब जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो इंडिया के अंदर मिलते हैं। 2500 के आसपास हमारे इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन है। ये कर क्यों रहे हैं हम एक साथ, ताकि ओवरलैप हो जाता था, बिकॉज जब बॉर्डर के अंदर आपने कोई मतलब वो नेशनल पार्क एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है, जैसे मानस वाला है अपना आसाम के अंदर, है ना, तो वो क्या करते हैं कि क्रॉस कर जाते हैं कई बॉर्डर, वो भी गिन रहा होता है, हम भी गिन रहे होते हैं, और डबल वो काउंट निकल के आ रहा होता है। तो साथ साथ करेंगे तो टाइगर जितने होंगे उतनी प्रॉपर टाइगर मतलब जितना होगा उतना ही काउंट होके आएगा। ठीक है, अभी इंडिया ने क्या किया कि जो गार्बेज फ्री सिटीज़ है ना, कि भाई कचरा गार सिटीज़ के अंदर मिलता ही नहीं है, उन पर्टिकुलर सिटीज़ के लिए स्टार रेटिंग निकाली है। ये निकाली कहाँ गई है, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर निकाली है, अर्बन वाले के अंदर। ठीक है, तो जितनी कंट्री जो मतलब सिटीज़ हैं वो अच्छा मतलब काम करेंगी, ठीक है, वेस्ट स्टोरेज वाला होगा, लिटर बिन्स होंगे, ठीक है, जो कलेक्शन वाला जो प्रोसीजर होता है कि सुबह सुबह जो कचरा लेने आ जाते हैं हमारे घरों के अंदर, गाड़ियां घूम रही होती हैं आपने देखा होगा, तो जिस कंट्री का जो जिस सिटी का बेस्ट होगा उसको उन्होंने उस जैसे होता ना 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार जैसे AC की अपनी वो रेटिंग्स होती हैं, फ्रिज की रेटिंग्स होती हैं, ऐसे ही सिटीज़ की रेटिंग भी की जाएगी। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर निकालती कौन है, यूनेस्को निकालता है। यूनेस्को किसके अंडर में आता है, UN के अंडर में आता है। मेन उसमें एक रिपोर्ट निकाली है, इसमें कुछ खास बताया नहीं है उसने, इतना ही बताया है एक रिपोर्ट के अंदर कि हो कह रहा है कि हमारे इंडिया में और हर जगह भी एजुकेशन के जो एक वो थी जो लेवल था वो गिरता हो जा रहा है। वाई? बिकॉज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बट जिसका जो काम था पढ़ाना और जो मतलब उसको इंश्योर करना कि टीचर पढ़ाता रहे, उस सब ने क्या किया है, वो लोग अकाउंटेबल ही नहीं है, मतलब उनके ऊपर कोई डंडा है ही नहीं कि वो उनसे काम करवा सके। ठीक है, यूनेस्को है क्या, याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा, स्पेशलाइज एजेंसी है UN की। ये मेन काम क्या है इसका, ये जरूर याद रखना है, एजुकेशन रिलेटेड है, लेकिन एजुकेशन अकेला काम नहीं है इसका। ये क्या करती है, वर्ल्ड के अंदर पीस और सिक्योरिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, कि शांति रहे और सुरक्षा रहे। कैसे रहे, वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ताकि लोगों को आपस में लाके, इस कंट्रीज को आपस में लाके, कैसे, एजुकेशन से, साइंटिफिक रिफॉर्म से और कल्चरल रिफॉर्म से, उन सबको मिला के पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। 195 मेंबर स्टेट्स हैं, 10 एसोसिएट मेंबर्स हैं, एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल ह्यूमन साइंस, कल्चर वगैरह, इन सब के अंदर प्रोग्राम करना। एक और चीज़ याद रखना, यूनेस्को ही अपने बार बार न्यूज़ में आता था वर्ल्ड हेरिटेज वाइट, ये यूनेस्को ही निकालती है। ठीक है, लेट्स मूव। एक ये सवाल बनता है, इसमें अपना सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऑर्डर दिया था कल परसों, तो उसमें ऑर्डर में ये आया था कि कॉम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान मैपिंग करो। तो UPSC क्या कर सकते, सिंपल वर्ड डाल देगी कि ये चीज़ किससे रिलेटेड है, कॉम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान मैपिंग, और नीचे चार दिए रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, दिस दिन दिस। तो हमें ये पता होना चाहिए
ये जो प्लान था कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान मैपिंग सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अंडर में आया था। किसने बनाया था? उस सुप्रीम कोर्ट ने ही एक और अपनी बनाई थी, ईपीसीए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इसी के अंडर में ये एक्शन प्लान बनाया गया है। ये क्या करेंगे हम, शॉर्ट टर्म के जो मेजर्स होते हैं ना, कि सुझाव जो होते हैं, जो हमें जो एक्शन लेना होता है, मीडियम टर्म बीच वाला पार्ट, और लॉन्ग टर्म मतलब 10-12 साल लंबा प्लान, इन सबको मिला मिलू के पहली बार एक प्लान बनाया जाएगा। और क्या क्या मतलब फोकस किस पे किया जाएगा, व्हीकल्स के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, पावर प्लांट के ऊपर, वेस्ट पेंडिंग के ऊपर, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के अंदर, और टाइम बाउंड मैनर के अंदर ये सब चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना वेडनेसडे को बोला था कि सेंटर को, भैया जो भी ये अपना जो आपने प्लान बनाया उसको नोटिफाई वोटे कर दो दिल्ली वल्ली और नेशनल कैपिटल एरिया के अंदर 2 हफ्ते के अंदर, और ये पूरा पूरा स्कीम को इंप्लीमेंट करो। एक इन्वेजिव एनिमल स्पीसीज की जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना है, ठीक है, इसने इन्वेजिव एनिमल स्पीसीज की एक लिस्ट निकाली है। इन्वेजिव होते क्या क्या हैं, ऐसी स्पीसीज जो उस एरिया की नहीं है, पहली बात तो हम बोलते हैं ना चलो ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है, जिस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ की नहीं होनी चाहिए वो नेटिव, मतलब कहीं और से आनी भी होनी चाहिए, एग्रेसिव होनी चाहिए वो, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से प्रोड्यूस करेगी। जो नेटिव्स होते हैं ना, जो वहाँ के जो पुरानी स्पीसी बैठी होती है, उन सबको आउट कम्पीट कर देगी वो। अगर 10 साल में 10 बच्चे पैदा कर रहे होंगे तो ये 50 पैदा कर रही होगी, ठीक है, ऐसे पेड़ पौधों के फटाफट जनरेट कर रहे होंगे ना, ज़्यादा बीज निकाल रहे होंगे। ह्यूमन हेल्थ को, वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के इन्वायरमेंट को हार्म करती है, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। ये था, अब देखिए जूलॉजिकल सर्वे ने क्या किया, एक लिस्ट निकाल ली, 4-5 नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। पपाया मिलीबग, ठीक है, ये मैक्सिको से आई थी, ठीक है। दूसरा है कॉटन मिलीबग, जो कॉटन वाटन में होती है। अमेजन की सेलफिन, कैटफिश, ऑरेंज कप कोरल, और ये सब यहाँ पे हैं। अपने शंकर आईएएस की बुक के अंदर एक आपने देखा होगा, उसमें ये चैप्टर है प्लांट वाला, उसके अंदर ये लिस्ट दे रखी है, प्लीज़ याद कर लेना, और अगर आपका कोई अच्छा सोर्स है तो वहाँ से याद कर सकते हैं इन्वेजिव स्पीसीज का प्रॉपर तरीके से। 7-8 नाम और हैं, देख लेना। एक आपने नाम सुना होगा कांग्रेस ग्रास होती है जैसे, राइट, बार बार न्यूज़ में आता है ना पहले, ये होती है। तो इसी तरह करके बहुत सारे हैं, जैसे अपने घरों में जो छिपकलियाँ मिलती हैं, है ना, कबूतर जो होते हैं अपने यहाँ पे, ये सब क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज हैं, यहाँ के हैं नहीं लोग, इंडिया के मतलब वो लोकल। अब आगे अपना एक वाइट स्पॉटेड बुश फ्रॉग, ये वैष्णो घाट के अंदर मिला दोस्त, 125 साल के बाद दोबारा मिला है, क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज में लिस्ट में आता है, ठीक है। और ये दिखता ऐसा ही है, और ये मिलता कहाँ पे है, अपने केरला और तमिलनाडु के अंदर, ये वर्ड याद रखना, ठीक है, दोबारा से सवाल बन सकता है कुछ फालतू का सा। एक है मेथनॉल इकोनॉमी फंड, ये जरूर याद रखिएगा, बिकॉज इस तरह के फंड हो गए जो स्पेशल नीति आयोग आजकल बना रही है ना, इन सब पे सवाल बनता है। नीति आयोग ने बनाया है मिथेनॉल इकोनॉमी फंड। यूजुअली वर्ल्ड में क्या होता है, जो मिथेनॉल बनता है ना वो किससे बनता है, गैस से बनाते हैं ये लोग, ठीक है, मिथेनॉल। इंडिया वाले क्या कर रहे हैं नीति आयोग के साथ मिलकर, वो बना रहे हैं कि कोल से बनाएंगे हम, कोयले से, ठीक है। अब हो गए, इसमें जो अपनी कोल इंडिया है कंपनी, उसको बोला कि भैया आप अपना जो हाई ऐश कंटेंट वाला जो कोल है ना उसको मिथेनॉल में चेंज कर दो, बिकॉज क्लीन होता है, साफ होता है और चीपर होता है, ठीक है। और जो बाकी हमारे जो फ्यूल व्यूल हम जो बाहर से मंगाते हैं उसको हमें कम मंगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, मेथनॉल मंगाते कहाँ से हैं, सऊदी अरेबिया से और ईरान से। तो होता क्या है कि हम उसको गैसोलीन पेट्रोल के अंदर मिला के बेचते रहते हैं, तो अगर हम यहाँ खुद ही बनाना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज कोयले के पास हमारे पास कमी है नहीं, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास पैसा वैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा, साफ तो है ही, सस्ता भी है, तो बहुत सारा फायदा हो जाएगा। एक ऐसा ही एक स्कैलर वुडन स्कॉर्पियन मिला है, फोटो देखिए शायद यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, ये कहाँ मिला, त्रिपुरा के अंदर, ये तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बिशोन नेशनल पार्क है, इस एरिया के अंदर मिला है ये। आज ही चुनाव हुए हैं, आज ही रिजल्ट आया है उसका, ठीक है, बीजेपी जीत गई है यहाँ पे। तो त्रिपुरा में कुछ भी न्यूज़ में आती है प्लीज़ जरूर देख लें, नॉर्थ वेस्ट ये सब कुछ है, इसी एरिया के अंदर मिलता है ये, कैसा स्कॉर्पियन है मतलब बिच्छू है ये, त्रिपुरा के अंदर मिला है ये, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ये वुड स्कॉर्पियन होता है, लकड़ी टाइप दिखने वाला होता है, छोटे छोटे होते हैं, 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और छोटे स्मॉल बर्रो छोटे छोटे जो छेद होते हैं उसके अंदर बैठा हुआ होता है, दिखता नहीं है ये। उसी तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर गौर मिलता है, गौर क्या होता है, इंडियन बिसॉन, आपने देखा होगा ना गाँव भैंसा टाइप का होता है, वो बड़ा अजीब सा हम्प होता है इसका, अभी नेट पर जाकर सर्च मार्कर चेक कर लीजिएगा। और उसी एरिया के अंदर हॉलो गिब्बन मिलते हैं, स्पेक्ट्रल लंगूर मिलते हैं, पिकटेल मकाऊ मिलता है, ठीक है। तो ये स्कॉलर जो वुड स्कॉर मिला कहाँ से, त्रिपुरा के अंदर तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, ठीक है। ये है हमारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड जो वाइल्ड लाइफ है, इसमें पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है, बना किसके अंडर एक्ट में था। ऐसा कोई भी बोर्ड वर्ड आता है, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आती है जो गवर्नमेंट की हो ना, तो प्लीज़ चेक कर लीजिए कौन से एक्ट के अंदर में आती है, बिकॉज यूपीएससी में पहला सवाल यही होता है यूजली। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आती है, स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेन काम इसका एडवाइजरी है, लेकिन ये एपेक्स बॉडी है, मतलब सारी जितनी भी बॉडीज है ना इन्वायरमेंट की, उनके सबके ऊपर बैठती है ये, ठीक है। और कंजर्वेशन के जितने भी इश्यूज होते हैं, पॉलिसी वाले सब इश्यूज सब डिसाइड यही करती है, वाइल्ड लाइफ के मैटर्स हो गए ना, प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना, नेचुरल प्रोजेक्ट के बारे में। एपेक्स बॉडी कहने का मतलब ये है, बिकॉज हाईएस्ट बॉडी है, तो भैया हाईएस्ट बंदा जो गवर्नमेंट का होगा वही इसको हेड करेगा, कौन करेगा, पीएम करेगा, और वाइस चेयरपर्सन जो वाइस चेयरमैन जो उसका होता है वो कौन होता है, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट,
हो गया नेशनल NBWL अपना लास्ट अपनी स्लाइड है नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ये NFCC जो है अगस्त 2015 में आई थी पहली बार, अडेप्टेशन फंड है। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि चलो ठीक है, दो टाइप का वर्ड यूज़ किया जाता है एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में, क्योटो प्रोटोकॉल में भी यही चल रहा था, अभी पेरिस ट्रीटी हो चुकी है अपने, याद होगा आपको, इनमें सब में अडेप्टेशन अडेप्टेशन वर्ड यूज़ हो रहा था। एक वर्ड और साथ में यूज़ करते हैं अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन का काम क्या होता है, चीज़ों को पहले से ही कम कर देना, पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन कम कर दो। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है कि भाई पॉल्यूशन तो कम हो नहीं सकता, लेकिन पॉल्यूशन के कारण जो नुकसान हो रहा होता है ना, जो इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, उन इफेक्ट से बचने के लिए जो इंसान होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, उसको इस तरह से बना दिया जाए कि उसका इफेक्ट कम हो जाए। कि भाई गर्मी ज्यादा पड़ रही तो इंसान को क्या बोलो, अपने घर में फ्रिज रख लो, छाया के अंदर बैठ जाए, ठीक है, और या मतलब बर्फ या ठंडा पानी पिए, तो वो अडेप्टेशन हो गया एक तरीके से, ठीक है, काम दोपहर में नहीं करेगा। मिटिगेशन क्या होता है, वो गर्मी गर्मी को ही कम कर देंगे हम, ठीक है, अब गर्मी तो कम हो नहीं सकती, तो इस एरिया में हम अडेप्ट करते चीज़ें। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन का इफेक्ट हो रहा होता है, उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ की लोकल जनता को चीज़ों से इक्विप कर देता है कि उन पर वो नुकसान ना हो। इसी को नेशनल अडेप्टेशन फंड क्लाइमेट चेंज में हमने एस्टेब्लिश किया था। ये नाबार्ड जो अपनी वो है बैंक है, वो इस फंड का वो है इंप्लीमेंटिंग एंटिटी, मतलब सारा फंड का जो काम होता है वो यही देखती है। वो क्या करती है, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्शन प्लान्स होते हैं, उनको फैसिलिटेट करती है, फंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, मॉनिटर करती है, जितने प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनका मॉनिटर इवैल्यूएशन करती है, और कैपेसिटी बिल्डिंग करती है सारे स्टेक होल्डर्स की, ठीक है। तो यही था, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको प्रोफेशन में हेल्प हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।